हमेशा दिए हो उसकी और आंखों में वही जलवा हो, हमेशा दीद हो उसकी और आंखों में यही जलवा हो, सर्दियों में चाय हो और साथ गाजर का हलवा हो। वाह वाह बोल दीजिए, क्या शेर बोला मैंने। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है और मेरे शेर से पता भी चल गया कि मैं आज कौन सी रेसिपी लाई हूँ, तो आज मैं लाई हूँ गाजर का हलवा, जो कि है सर्दियों की सौगात। और सर्दियों हो और गाजर का हलवा ना बने तो समझो सर्दी आई ही नहीं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी कुछ यूँ है कि सबसे पहले मैंने पतीले में डाल दिया है देसी घी, वो भी पूरा एक कप। देसी घी को मैंने कर लिया है गर्म। देसी घी को गर्म कर लेने के बाद अब मैंने ली है ग्रेटेड कैरेट्स और ये हैं ऑलमोस्ट 3 kg। तो आप अपनी जो जितने भी आपने सर्विंग बनानी है उसी के मुताबिक अपनी क्वान्टिटी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं आज बना रही हूँ 3 kg कैरेट से गाजर का हलवा, तो देखते हैं कैसा बनता है ये। तो सारी सारी गाजरें डल चुकी हैं। तो गाजरें डल जाने के बाद अब मैं इनको भूनूंगी और इनको भून भून के अच्छी तरह इनका पानी खुश्क कर दूंगी। पानी खुश्क हो जाने के बाद इनकी एक तो शक्ल भी चेंज हो जाएगी, इनका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये घी छोड़ देंगी। जब ये घी छोड़ देंगी तो हम इसमें ऐड करेंगे क्या बताएं, जल्दी जल्दी। हाँ जी, इसमें हम ऐड करेंगे दूध। और दूध मैंने इसमें ऐड किया है डबल, मीन्स जित 3 kg कैरेट्स थी तो मैंने इसमें 6 liter मिल्क ऐड किया है। जितनी गाजरें थी उनसे डबल क्वांटिटी मैंने मिल्क ऐड किया है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी खोया वोया ऐड नहीं करूँगी। इसी दूध में इसको पका पका के खोए जैसा बना दूँगी टेस्ट दूध का। और बस इसको आप रख दीजिए आप पकने के लिए। जैसे कि दूध मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है तो इसलिए इसको पकने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको चूल्हे पे चढ़ाने के बाद आप इसको भूल जाएं और अपने घर के सारे काम जो हैं वो नबेड़ नबूल लें। और जितने में आपके घर के काम होंगे उतने में आपका ये जो हलवा है ना ये तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको साथ साथ अपने घर के काम भी कर रही हूँ और साथ साथ आके इसमें चम्मच भी हिला रही हूँ कि देख लूँ मैं कहीं ये जल जुल तो नहीं रहा। तो ये देख सकते हो आप कि मेरा दूध ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा इसमें घूम फिर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में आके अभी हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 cup। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हो। शुगर ऐड कर लेने के बाद होता ये है कि शुगर जो है वो भी अपना पानी छोड़ देती है, तो वो उसको अगेन हमें इसको पकाना पड़ेगा और इतना पकाना है कि इसका पानी सारा का सारा खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से घी छोड़ दे और ये अच्छा सा मज़ेदार सा हलवा बन के तैयार हो जाए। तो इस जगह हमने इसका फ्लेम कर देना है मीडियम, ताकि हमारा हलवा जले ना, और अगर ये जल जाएगा तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैं डाल रही हूँ आलमंड्स एंड पीनट्स। जस्ट आप अपने कोई भी आपको जो भी नट्स अच्छे लगते हैं आप इसमें डालिए। अक्सर मेरे बच्चे नट्स नहीं खाते, वो हमेशा इसमें से निकाल निकाल के बाहर रख देते हैं, तो मैं करती ऐसा हूँ कि ज़्यादातर पाउडर बना लेती हूँ नट्स का और फिर इसमें डाल देती हूँ, और उसका टेस्ट रियली बहुत ही अमेजिंग आता है और बहुत ही अच्छा हलवा बनता है। तो देख लीजिए हमारा हलवा हो गया है रेडी स्टेडी एंड गो। चलो आज सब खाते हैं मिलके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।